सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। और आप देख रहे हैं द ट्रैवल्स वर्ल्ड चैनल को। और आज मैं फिर लेके आया हूँ साई रुचा ट्रैवल्स की एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतरीन बस को, जो कि चलती है गोवा से नासिक के बीच में। और यहाँ पर जो है आई बटन में लिंक मैंने दे दी है, जो कि नासिक से गोवा के बीच में चलने वाली बस की है। दोनों बस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है, पर फीचर्स जो है दोनों बस में बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। लोडेड विथ फीचर्स जो है ये गाड़ी है, बहुत ही शानदार तरीके से जो है लाइट सेटअप, इंटीरियर जो इस गाड़ी में पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लाइट सेटअप की, तो यहाँ पर जो है आपको सिंगल इंडिकेटर, डबल हैलोजन और नीचे जो है आपको फॉग लैंप सेटअप भी दिया गया है। पूरा जो है यहाँ पर आपका हैलोजन सेटअप प्रोवाइड किया गया है। देन रिफ्लेक्टर्स और हाइट मार्कर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। बम्पर पे आपको चार एक्स्ट्रा जो है फॉग लैंप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और सेम सेटअप जो है यहाँ पर भी आपको इस साइड भी प्रोवाइड किया गया है। इस गाड़ी में जो है आपको लाइट ज़्यादा जो है प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि जो ये गाड़ी है ये नाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। और उसी के साथ साथ जो है घाट सेक्शन में जो है लाइट्स की इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पैसेंजर्स और गाड़ी की सेफ्टी को देखते हुए जो है और भी ज़्यादा लाइट जो इस गाड़ी में एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ ऊपर की साइड आपको साई रुचा ट्रैवल्स की जो बैजिंग दी गई है, गोवा की स्टिकरिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। आपको दोनों के दोनों जो मिरर्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल्स भी मिल जाते हैं। देन नीचे के साइड यहाँ पर जो है आपको एक नंबर प्लेट भी प्रोवाइड की गई है। देन पूरा जो आपको फ्रंट लुक है इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से जो बल्की लुक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। देन यहाँ पर जो है आप गाड़ी का साइड लुक भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साई रुचा ट्रैवल्स की बैजिंग दी गई है, और उसी के साथ साथ www.sairuchabus.com की जो है यहाँ पर पूरा स्टिकरिंग किया गया है। आपको जो है पूरा टफ एंड ग्लास यहाँ पर जो पैसेंजर्स की सेफ्टी को देखते हुए प्रोवाइड किया गया है। न्यूमेटिक असिस्टेड डोर यहाँ पर आपको मिल जाता है, और जो लीवरी भी है बहुत ही शानदार तरीके से जो डिज़ाइन की गई है, जिससे कि गाड़ी का जो लुक है और भी ज़्यादा प्रीमियम होता है। और रोड प्रेजेंस जो इस गाड़ी का है, और जो गाड़ी का रोड प्रेजेंस है उसका भी लेवल जो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो आप इस गाड़ी का जो एयर सस्पेंशन जो है देख सकते हैं। और टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिशलिन के टायर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, और इस गाड़ी में आपको दोनों साइड एयर सस्पेंशन प्रोवाइड किए गए हैं गाड़ी की राइड क्वालिटी और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए। पीछे के साइड आपको साई रुचा ट्रैवल्स की बैजिंग, इनके वेबसाइट की बैजिंग और बाकी के जो रिफ्लेक्टर्स है वो बाकी के मार्क किए गए हैं। तो आइए अब चलते हैं इस बस के अंदर और देखते हैं इस बस का इंटीरियर कैबिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से साई रुचा ट्रैवल्स ने साई कोच के द्वारा बनाया गया है, साई कोच के थ्रू जो है बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर जो आपको एक डैशबोर्ड और इंटीरियर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि जो है यहाँ पर आप पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं। ऊपर की साइड जो है यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एक्सेसरीज जो है लगाई गई है। यहाँ पर जो है आपको न्यूमेटिक असिस्टेंट डोर के कंट्रोल्स, देन बाकी के लेवलिंग कंट्रोल्स, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपको एक पावर स्टीयरिंग भी दिया गया है बाकी के कंट्रोल्स के साथ में, जिन्हें यहाँ पर आपको तीन पैडल शिफ्टर्स और यहाँ पर जो आपको छः गियर जो इस गाड़ी में प्रोवाइड किए गए हैं। जिन्हें यहाँ पर जो है कर्टन्स और को ड्राइवर का जो सीट है वो प्लेस किया गया है। तो ये साई रुचा के ओनर है, आइए पूछते हैं इनसे कुछ सवाल। तो सर, ये बस गोवा से कितने बजे निकलती है? गोवा से 5 बजे, मडगांव से। मडगांव से, अच्छा। और कहाँ ये स्टॉप लेती है गोवा में? गोवा मडगांव, पंजी, माफसा, स्टार्टिंग पॉइंट मडगांव है। अच्छा, 5 बजे शाम को मडगांव से निकलती है। ओके, 6:30 को पंजी में है और 7:30 माफसा। ओके, और नासिक के कितने बजे तक पहुँचती है? सुबह 11:30 सुबह। अच्छा, और रास्ते में कहाँ ये गाड़ी स्टॉप लेती है? गोवा से आते समय साई प्रसाद होटल। ओके, गोवा से आगे 100 किलोमीटर के बाद। अच्छा, 9:30। और मॉर्निंग में 4 o'clock कोल्हापुर। अच्छा, 8 o'clock अहमदनगर से पहले। अच्छा, और अगर बुकिंग करना हो तो कहाँ से कर सकते हैं? ऑनलाइन रेड बस है। अच्छा, और अगर ऑफलाइन बुकिंग करनी हो तो कहाँ पर? ऑफलाइन में गोवा में फर्नांडिस ट्रैवल। अच्छा, और नासिक में? नासिक में साई रुचा ट्रैवल। अच्छा, गोवा से आते आते कहाँ ये बस रुकती है, कहाँ से लोग बोर्ड कर सकते हैं इस बस को? मड़गांव, पंजी, मापुसा, बांदा, कुडाल, कनकौली, तलेरे फाटा। अच्छा, यहाँ से लोग बोर्ड कर सकते हैं। और एक नॉर्मली प्राइसिंग कितनी होती है फेयर? वहाँ से 1200 से लेके 1300 वेरी करता है। अच्छा, और कोरोना होने की वजह से क्या क्या फिर कोई डॉक्यूमेंट नीडेड है या कुछ? अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसे।
ओके, तो गाड़ी में कितने ड्राइवर? दो ड्राइवर रहते हैं वहाँ से। अच्छा, और एक कंडक्टर। अच्छा, तीन लोग ये। और कितने पैसेंजर्स की कैपेसिटी है गाड़ी में? 30। अच्छा, गाड़ी में और क्या क्या फैसिलिटीज है पैसेंजर्स के लिए? पैसेंजर्स के लिए एसी तो है कंपलसरी। ओके, पर्दे है। ओके, वाइट बेडशीट है। अच्छा, वाइट बेडशीट रहता है जी, वाइट बेडशीट भी देते हैं। अच्छा, खाली ब्लैंकेट नहीं रहेगा, कोरोना की वजह से ब्लैंकेट नहीं है। ओके ओके, और एयर सस्पेंशन है गाड़ी में? एयर सस्पेंशन है। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिंगल ऑक्यूपेंसी और यहाँ पर डबल, और यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी हमें मिल जाती है। तो आइए देखते हैं सिंगल में हमें क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है। सिंगल में बटन है, नाइट लैम्प है, चार्जिंग करेंगे तभी आपका मोबाइल रखने के लिए जगह है। ओके, हाँ, एसी है। ओके, कंफर्टेबल है, बर्थ एकदम कंफर्टेबल है। ओके, कर्टन है। यस जी, सामान रखने के लिए जगह है। हाँ ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मोबाइल होल्डर, देन चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर हमें एक रीडिंग लैम्प, दो एसी वेंट, पर्दे, और यहाँ पर जो है आपको आपका लगेज रखने के लिए यहाँ पर आपको जगह दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक शानदार फीचर हमें इस बस में। आपको नीचे की साइड में हमें सेम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक वुडन फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाती है, सेम चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल होल्डर और एक रीडिंग लैम्प आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इस साइड, तो यहाँ पर हमें एक एसी वेंट, और यहाँ पर हमें नीचे हमें स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि नीचे के पैसेंजर्स के लिए हमें यहाँ पर नीचे एक स्टोरेज दिया गया है, यहाँ पर वो अपना सामान रख सकते हैं, पर ऊपर वालों के लिए हमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं। इधर से बंद हो गया, इधर से वापस ले। देन ऑल्सो यहाँ पर आप अगर आप इस साइड की डबल ऑक्यूपेंसी देखें, तो यहाँ पर हमें सेम एक चार्जिंग सॉकेट, एक रीडिंग लैम्प, एक मोबाइल होल्डर, यहाँ पर हमें दो एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी हमें एक एसी वेंट दिया गया है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमें स्टोरेज कंपार्टमेंट वाटर होल्डर के साथ दिया गया है। अगर हम बात करें इस साइड, यहाँ पर भी हमें सेम एक चार्जिंग सॉकेट, एक रीडिंग लैम्प और एक मोबाइल होल्डर यहाँ पर हमें दिया गया है। अगर हम बात करें इस बर्थ की, तो बर्थ भी हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और शानदार यहाँ पर हमें मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इनबिल्ट पिलो, एक वाइट बेडशीट, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है हमें बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर जो है हमें एक साई रुचा का जो है एक LED टच दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ऊपर हमें साई रुचा की बैजिंग, और यहाँ पर जो सीट नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, पर आप स्पीकर्स, यहाँ पर आप LED देख सकते हैं। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर हमें मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक कैबिन बहुत ही ज़्यादा गाड़ी का शानदार यहाँ पर हमें मिलता है। आपको जो है विंडो एरिया भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है। तो अगर ऑनलाइन बुकिंग करनी हो तो कहाँ कहाँ से बुकिंग कर सकते हैं? रेड बस से बुकिंग कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, मैनुअल मुझे भी फोन किया तो भी बुकिंग हो सकता है आपका। मेरा नंबर है 9595249555। ओके, आपका नाम? महेश चौहान। ओके, से बुकिंग कर सकते हैं आप www.sairuchabus.com। ओके, भी बुकिंग कर सकते हैं फर्नांडिस। okay. ट्रैवल गोवा से आते समय और जाते समय नासिक से साईरुचा ट्रैवल, शिरडी से सबुरी ट्रैवल, अहमदनगर से भंडारी ट्रैवल, पुना से हम सफर ट्रैवल, ये सब जगह से अपना बुकिंग हो सकता है। अच्छा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो फिर आपका प्लीज आप फिर से एक बार नंबर आपका 9595249555। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और टाटा 180 का चेसिस पे बना है। अच्छा अच्छा, और कौन सा सस्पेंशन है गाड़ी में? इसमें व्हील बेस का सस्पेंशन है। ओके, और एयर सस्पेंशन भी दिया गया है? एयर सस्पेंशन वही। अच्छा, गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाती है? गाड़ी नासिक से शिरडी, शिरडी से नगर से पुणे, पुणे से कोल्हापुर होके गोवा जाती है। अच्छा, गाड़ी का फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? ये गाड़ी का फ्यूल टैंक है 365 लीटर का। ओके, और माइलेज कितने का देती गाड़ी? माइलेज 3.5 का देती है। 3.5 का माइलेज देती गाड़ी। अच्छा, विद एसी। अच्छा, और यहाँ पर ये किस चीज का फंक्शन यहाँ पर? ये पावर विंडो का है। ओके, अच्छा, एसी का दिया ना इधर।
अच्छा यहाँ पर एसी का दिया गया है। ओके, यहाँ पर क्या दिया गया हमें? ये इसका जो अपना ये आता है अपना अभी BH4 में नया गाड़ी में जो आया है, अच्छा एड ब्लू का, वो प्रदूषण के लिए अच्छा वो दिया है। अच्छा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटलेस का, इसमें मीटर है, पावर स्टीयरिंग अपना, पावर का ये सस्पेंशन एयर इसका दिया है, एयर का एयर टंकी का। ओके, ये फ्यूल का दिया है। अच्छा, और उसके बाद उधर टेम्परेचर का दिया है। अच्छा, और यहाँ पर किस चीज के बटन यहाँ पर हमें मिल जाते हैं? यहाँ पे है, यहाँ पे वो फोर अपना किधर इंडिकेटर का दिया है, फोर का। ओके, ABS का दिया है। अच्छा, और इधर बैटरी का दिया। अच्छा, हेडलैम्प्स के स्विचेस भी वहाँ पर ही है? हेडलैम्प्स पे इधर दिया है। अच्छा, स्टीयरिंग पे हमें हेडलैम्प्स के मिल जाते हैं। अच्छा, कितने गियर्स की गाड़ी है? ये 7 गियर की है। अच्छा, पकड़ के। ओके, आपका नाम? मेरा नाम है मच्छिंद्र बाग। अच्छा, तो आप गाड़ी लेके जाते हैं? हाँ, नासिक से लेके जाते हैं। अच्छा, और गोवा से भी आप ही लेके आते हैं? हाँ। तो गोवा से कितने बजे निकलती है गाड़ी? गोवा से 5 बजे निकलता है शाम को मड़गांव से। अच्छा, यहाँ आता है 11 बजे तक। अच्छा, 11 बजे तक आता है सुबह। अच्छा, और पूना सावंतवाड़ी यहाँ पर गाड़ी रुकती है? हाँ, पिकअप रहता है वहाँ पे। अच्छा, पिकअप रहता है, मासा में रहता है, उसके बाद सावंतवाड़ी बाईपास रहता है। अच्छा, कनकोली तक रहता है। अच्छा, उसके बाद सीधा पूना। अच्छा, फिर आप कब तक, मतलब आप पूरी रात ड्राइव करते हो या फिर दो ड्राइवर आते हैं? अच्छा, फिर आप? हाँ, 300 किलोमीटर एक ड्राइवर गाड़ी चलता है, उसके बाद में वापस 300 किलोमीटर वो रेस्ट करता है। अच्छा, फिर 300? हाँ। अच्छा, मतलब 2 ड्राइवर होते हैं और 1 कंडक्टर? तो 3 लोग आप जाते हैं और पैसेंजर्स? हाँ। अच्छा, और खाने के लिए कहाँ पर गाड़ी? खाने के लिए अपना इधर जाने के टाइम नगर के आगे, अच्छा, सागर करके होटल है। अच्छा, वहाँ पे वेज होटल है, वहाँ पे रुकता है। ओके, और आने में साई प्रसाद करके जरा बाईपास पे वहाँ पे रुकता है, कुडल के पास में। ओके, थैंक यू सर, आपका फिर से नाम बताइए। मच्छिंद्र बाग। तो जैसे कि आपने देखा साई रुचा ट्रेवल्स की इस बेहतरीन बस को, जो कि चलती है गोवा से नासिक के बीच में, और अगर आपको इस बस में टिकट बुक करना हो तो नॉर्मल कॉस्ट रहता है 1200 से 1300 से बीच में। तो आप इस बस को बुक कर सकते हैं मैनुअली भी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। सब लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल को। Thank you for watching this video.